हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से वीआर क्वेयर में, जहां हम हर रोज सुबह 5 बजे नई नई गे लव स्टोरीज पोस्ट करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक खूबसूरत गे लव स्टोरी लेकर के आए हैं, जिसका आप आज सेकंड एपिसोड सुनने जा रहे हैं। इसके पहले एपिसोड को सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सुन सकते हैं। ये कहानी है एक खूबसूरत नौजवान दर्शित की, जिसको इन्फ्लुएंसर की ऐसी भूख होती है इन्फ्लुएंसर बनने की कि उसे उसके आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता। पापा की बहुत डांट खाने के बावजूद अपना वीडियो बनाना, अपना पैशन फॉलो करना, मेहनत करना वो कम नहीं करता, जिसका उसे फल भी मिल जाता है। दर्शित के फॉलोअर्स हजारों लाखों में बढ़ते ही जाते हैं, लोग उसे जानने लगे थे, वीडियोस वायरल पर वायरल होने लगे थे, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन चुका था। दर्शित का बोर्ड एग्जाम होने में कुछ दिन ही बाकी होते हैं और दर्शित को इन्फ्लुएंसर्स मीटअप के इनविटेशन की फिक्र होती है, जो कि उन्हें मिला होता है कि किसी तरह वरुण के पापा तो मान जाते हैं जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, जहाँ पर मीटअप का सारा अरेंजमेंट था। पर दर्शित के पापा को जब पता चलता है तो वो दर्शित को साफ साफ मना कर देते हैं। और बस इतना ही नहीं, उनका गुस्सा सर पे इतना चढ़ जाता है कि वो उससे उसका मोबाइल छीन करके 4 थप्पड़ लगा करके उसे कमरे में ही लॉक कर देते हैं। पर दर्शित हार नहीं माना। दर्शित के पास पैसे तो थे ही, इतनी तो अर्निंग उसकी होती ही थी। उसने उस कमरे की खिड़की को किसी तरह से तोड़ा और उस कैद खाने से कूद करके भाग निकला अपने सपनों को पूरा करने। दर्शित बहुत खुश था कि वो घर से भागकर पहली बार इतनी दूर मीटअप के लिए जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा खुशी उसे अपने प्यार, अपने क्रश फहीम से मिलने की थी। माता पिता की बात ना मानते हुए दर्शित निकल पड़ा अपने ऑनलाइन बने हुए नए दोस्तों से मिलने के लिए, एक चाह में कि मिल करके वीडियोस बनाएंगे, क्रिएटर्स की मीटिंग कैसी होती है, वो सब कुछ उसे जानना था, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। अब एक दिन के मीटअप के लिए दर्शित ने पूरे हफ्ते भर का लगेज रख लिया था और रेलवे स्टेशन पहुंचा। दर्शित ने कुछ देर यहाँ वहाँ देखा और सोचा कि वरुण दिखाई नहीं दे रहा है। वरुण वही था, उसका साथ का दोस्त जिसके साथ वो वीडियोस बनाता था। वरुण काफ़ी देर बाद रेलवे स्टेशन पहुँचता है और फिर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की अपनी सीट पर वो जाता है। ट्रेन लगी होती है, उसने देखा कि बड़ा सा लगेज पहले से उसके सीट पर रख दी गई है और उसे पता नहीं होता कि लगेज किसका है। अब शायद वरुण ने दर्शित को कॉल किया रहा होगा आने से पहले, तो उन्होंने मना किया था, उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि दर्शित कहीं नहीं जाएगा। दर्शित को देखकर वरुण बहुत खुश हो गया। जब ट्रेन में वो चुपचाप बैठा निहार रहा था, वरुण ने पूछा कि अरे तू कैसे आ गया, तू तो आने नहीं वाला था, अलाउ किया पेरेंट्स ने? दर्शित ने कहा कि यार अब तो सपने पूरे हो रहे हैं, आज नहीं तो कल पापा जरूर समझेंगे। वरुण ने पूछा कि तू आया कैसे वो बता। दर्शित ने कहा कि यार भाग के आया हूँ और कैसे आऊँगा, तुझे तो पता है ना मेरे फैमिली का, कोई भी मेरे सपनों को पूरा करने से मुझे नहीं रोक सकता। दर्शित के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ था। दर्शित एक्साइटेड था सभी से मिलने के लिए, बातें करने और साथ में वीडियोस बनाने के लिए। उसको ना तो सही का पता था ना गलत का, बस उसे इतना पता था कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है और अपने जो एक्टिंग स्किल थी जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता था डायलॉग्स करके, उस चीज़ पे उसको पूरा भरोसा था। रात के 10 बजे अचानक वरुण को दर्शित की मम्मी का कॉल आता है। वो घबराई हुई सी थी, उन्हें अभी अभी मालूम हुआ कि उनका बेटा घर की खिड़की से कूद करके भाग निकला है। पर इन सब चीज़ों से दर्शित को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्यों? क्योंकि उसे अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर
फहीम से मिलने की इतनी बेसब्री थी कि क्या ही कहें। अब वरुण ने दर्शित की मम्मा से कहा कि आप परेशान मत होइए, दर्शित और मैं एक साथ ही हैं, वो भाग करके यहीं आया है और हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दर्शित का मोबाइल तो घर वालों ने छीन लिया था, वरुण के पास उसका आईफोन था। दर्शित और वरुण सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने खाना खाया था ट्रेन में, लगेज लेकर के दोनों लोकेशन पर पहुंचे जहां ये सारा इवेंट होना था। दर्शित ने देखा कि बहुत सारे जाने पहचाने लोग, बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रखी है। दर्शित लगेज के साथ ही लगभग 9 बजे के आसपास इवेंट हॉल में पहुंच जाता है, पास दिखा करके, जहां सारा इवेंट होना था। बाकी सभी ने आसपास में ही होटल स्टे कर रखा था और दर्शित के पास तो सिर्फ उसका टेबल नंबर था। दर्शित ने ट्रेन में खाना जो खाया था उसने काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि यही आखिरी मील था जो अब नेक्स्ट डे तक उसको बीच में कुछ मिलना ही नहीं था, आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद उसने कुछ खाया नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो हमारा भूख प्यास ख़त्म हो जाता है, वही सारी चीज़ें से ये गुजर रहा था दर्शित। अब 1 घंटे का वेट करने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ गई, सभी के फोटोज़ और वायरल वीडियोज़ बड़े से स्क्रीन पर प्ले किए जा रहे थे। बहुत सारे छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर्स वहाँ मौजूद थे। अब जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स थे वो दर्शित के साथ भी सेल्फीज ले रहे थे, सब उसे जानते थे। अपनी पॉपुलैरिटी देख करके दर्शित बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि वो भी कोई बड़ी हस्ती है, जो कि सच भी था। अब लाखों में फॉलोअर्स गेन करना यूँ आम बात तो नहीं है। अब उन लोगों के, जैसे वरुण और दर्शित के, अलग अलग ग्रुप्स के नाम डिसाइड हो चुके थे। दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। वहाँ पर डांस वीडियोस वालों का अलग ग्रुप था, एक्टिंग करने वाले इन्फ्लुएंसर्स का अलग ही फ्रेंड सर्कल था। अब जिनमें से रैंकिंग के जरिए गिफ्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे थे, जहाँ वरुण निहारिका नाम की लड़की को निहार रहा था, तो वहीं पर दर्शित भी फहीम के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सारे अचीवमेंट्स फॉलोअर्स और वायरल वीडियोस के बेसिस पर हो रहा था। वरुण बहुत खुश था क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था जिसको वो पसंद करता था, निहारिका, जिससे वो बेहद यूँ कहें पसंद करता था, प्यार करता था, उसकी क्रश थी। वो ठीक वरुण के पीछे ही बैठी हुई थी और तभी एंट्री हुई फहीम की, एक जाने माने बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ। फहीम को देख करके सबकी नज़र उस पर रुक गई। फहीम के 5 मिलियन फॉलोअर्स थे या उसे भी ज़्यादा रहे होंगे। फहीम को सामने से पहली बार दर्शित देख रहा था। उसका हेयर स्टाइल, उसकी अदा, उसका फिटनेस, उसके कपड़े, उसकी बॉडी, दर्शित का मन किया कि उसे अभी जाके गले लगा ले, उसके होठों को चूम ले। दर्शित की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। दर्शित खुद को आईने में देखता है या जब भी अपनी खूबसूरती के बारे में सोचता है वो हमेशा अपने से ज़्यादा फहीम को पाता है, जबकि ऐसा नहीं था। दर्शित तो खुद ही देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम, क्यूट, कोई भी देखे उसको तो मुझे लगता है कि दर्शित के खूबसूरती का दीवाना हो जाए। दर्शित एक अनटच्ड वर्जिन लड़का था जिसकी चाहत है कि उसे किसी भी तरह वो बस फहीम मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, जिसे अभी तक ये नहीं पता था फिजिकल होना क्या है, बस उसको ये पता था कि लड़कों में उसे इंटरेस्ट है और वो प्यार करता है फहीम को। अब इवेंट होते होते लगभग ख़त्म होते हुए 5 बज गए। इस बीच दर्शित और वरुण बाकी लोगों के साथ मिलकर लंच कर लेता है। दर्शित जब फहीम को बाकी लोगों के साथ सेल्फी लेते, वीडियोस बनाते हुए देखता है, दर्शित उसके नज़दीक पहुंच जाता है, पर हिम्मत ही नहीं होती आगे से बात करने की। पर उनमें से कुछ क्रिएटर्स दर्शित के पास आ जाते हैं और उसे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। दर्शित मना करता है और ये बात फहीम सुन लेता है। तभी फहीम की नज़र उस पर पड़ती है और वो स्माइल करते हुए खुद ब खुद उसके पास आता है और दर्शित का एक वायरल वीडियो का डायलॉग सुनाता है।
दर्शित की खुशी का ठिकाना नहीं। उसका फेवरेट पर्सन खुद सामने से आ करके दर्शित का ही वायरल वीडियो के डायलॉग सुनाता है। उसे लगता है जैसे उसने अब जीवन में सब कुछ पा लिया हो, सब कुछ मिल गया हो, जिसे चाहता था वो सामने जो था। फहीम अब दर्शित से कहता है कि यार वन वीडियो कोलेब्रेशन तो बनता ही है, और फिर क्या। फहीम और दर्शित दोनों मिल करके डायलॉग्स पे लिपसिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, दोनों की ट्यूनिंग होने लगती है। और अब वो कहता है कि तू बहुत कम समय में बहुत अच्छा ट्रेंड करने लगा है। दर्शित खुशी के मारे सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या ही जवाब दूँ मैं फहीम को। उसने कहा कि आई एम योर ह्यूज फैन। ये सुनकर फहीम हंसते हुए दर्शित को गले लगा लेता है और कहता कि तू भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है। दर्शित के दिल की धड़कन तब तेज हो जाती है उसके टाइट हग से। दर्शित को फहीम की मस्कुलर बॉडी, उसका परफ्यूम, उसकी स्माइल, उसका सब कुछ मदहोश कर रही थी। फहीम ने दर्शित से उसका होम टाउन पूछा, बातें की, वो भी दर्शित में इंटरेस्ट ले रहा था। उसने दर्शित से कहा कि रात को एक पार्टी है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, आओगे क्या, बहुत मज़ा आएगा। उसने लोकेशन बता दिया कहाँ पे क्या होना है। दर्शित ने उसकी बात नहीं टाली और पार्टी में मिलने की बात वो मान गया। अब जब वरुण से दर्शित मिला और बात होने चली लौटने की, तो चिढ़ गया था यहाँ पे दर्शित। वरुण ने कहा कि अभी यार रात ट्रेन है, जल्दी निकलते हैं, डिनर करते स्टेशन पहुँचेंगे। दर्शित ने वरुण को मना कर दिया जाने से और कहा कि भाई तू जा, तू निकल ले, तू वापस लौट जा, मैं तो नहीं जा रहा। पापा ने कल रात जो चार थप्पड़ जड़े थे ना यार, वो मेरे जहन से अब तक गया नहीं। भाई चेहरा लाल हो गया था मेरा, अब मैं नहीं जा रहा। वरुण और दर्शित की इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, लड़ाई हुई, और दर्शित अड़ा रहा, नहीं माना, ज़िद्दी था। पर वरुण उसका बहुत ख़ास दोस्त था, लेकिन वो भी अपने मम्मी पापा की बात टाल कैसे सकता था। एग्ज़ाम से कुछ ही दिनों में तो कैसे भला वो ज़िद करके रुक सकता था दर्शित के साथ। वो नहीं रुकता, वरुण चला जाता है। दर्शित जाने देता है वरुण को और खुद उसी होटल में जा कर के रूम लेता है जहाँ फहीम स्टे किया हुआ था, और उसकी होटल के ऊपर पब में पार्टी थी। वरुण ने बहुत समझाया था दर्शित को, पर उसने कहाँ सुनना था। रात वो नहा धोकर कपड़े चेंज करके परफ्यूम मार के पार्टी में पहुँचता है। पार्टी में जाते ही दर्शित को देखकर काफ़ी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दर्शित ने बहुत प्यारा ब्लू कलर का पार्टी वेयर शर्ट पहन रखा था, ट्राउजर के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और यूनिक लग रहा था। कोई भी उसकी तरफ देखता तो शायद मदमस्त मोहित हो जाता। और सामने विस्की हाथ में लिए फहीम खड़ा बस देखता रह गया दर्शित को। पार्टी में वैसे तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद थे, लेकिन फहीम की नज़र भी डांस करते वक्त बार बार दर्शित पर ही थी। दर्शित की भी नज़र फहीम पर थी। दर्शित तो था ही फहीम का दीवाना। फहीम समझ गया था कि दर्शित उसमें इंटरेस्टेड है। अब इतना गूर गूर के जब किसी को देखोगे तो पता तो चल ही जाएगा ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। दर्शित की नज़र फहीम के सीने और होंठ पर थी, या यूं कहे पूरे बदन पर ही थी। नज़र खराब हो रखी थी इस लड़के की। अब डांस करते वक्त फहीम दर्शित के नज़दीक आया और फिर उसने ड्रिंक ऑफर किया। दर्शित ने जब मना किया तो फहीम ने दिखाया कि उसे बुरा लग रहा है, और दर्शित भला फहीम को कैसे बुरा लगने दे सकता था। आसिक जो ठहरा, दर्शित ने कभी ड्रिंक नहीं की थी और बहुत मुश्किल से पहली बार था उसका, पर उसने पी लिया फहीम के खातिर। अब पहली बार ड्रिंक किया था तो आप समझ ही सकते हैं कि हाल कैसा हुआ होगा। पार्टी में पूरे वक्त नशे की हालत में फहीम दर्शित को देखता रहता, छूता छेड़ता रहता, और दर्शित फहीम को यूं ही रात के 2 बज गए, दोनों एक दूसरे को टच करते रहे। रात के 2 बजने के बाद भी उन्हें होश नहीं था, समय का पता ही नहीं चला कि कैसे इतना वक्त गुजर गया। फहीम ने देखा कि दर्शित क्यूट सा लड़का ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। वो उसे अपने साथ लिफ्ट तक लेकर के जाता है और लिफ्ट से वो अपने गोद में उठा करके लिफ्ट के थ्रू 3rd फ्लोर तक जाने के बाद गोद में उठाता है और अपने रूम में लेकर के चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि
अब दर्शित का रूम कौन सा है उसने पूछा भी नहीं। रात के 2 बजे कहाँ किससे किस स्टाफ के पीछे दौड़ता। दर्शित की क्यूटनेस देखकर फहीम से रहा नहीं जाता। वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, दर्शित के कपड़े उतार देता है और फिर दोनों एक साथ लेट जाते हैं। दर्शित को ठीक से होश ही नहीं होता। रात गुजर जाती है और जब सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है कि दर्शित अपने आप को देखता है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। शरीर में दर्द और बिस्तर पर फटे हुए 4 कंडम्स पड़े हुए हैं। दर्द से बुरा हाल हो रहा है, वो कराह रहा होता है। खुद का कपड़ा किधर रखा है उसे पता नहीं होता। वो खुद को वैसे तो फ्लोर पर लेटा हुआ पाता है। दर्शित को पीछे भी दर्द हो रहा था, उसके बदन में खरोचे थी, उसके गले में लव बाइट के निशान थे। दर्शित के शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी, मानो किसी ने पूरा शरीर चूस लिया हो। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था दर्शित के साथ, हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कल सुबह 5 बजे आएगी। स्टोरी को अपना प्यार ज़रूर दें। आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। लव इज़ लव, निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।